अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, ओप्पो F11 प्रो लें या Xiaomi का नया आया फ़ोन Mi 9T। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फाइनली आज आपको बता देते हैं कि आपको Xiaomi का Mi 9T लेना चाहिए या लेना चाहिए ओप्पो का F11 प्रो। आज की इस वीडियो में आपको क्लियर आउट हो जाएगा इन दोनों में से कौन सा फ़ोन ऐसा है जो कि वैल्यू फॉर मनी है, किस फ़ोन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी डिवाइस की नस्बत। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। ओप्पो F11 प्रो पाकिस्तान की मार्केट में 55,000 रुपये का लॉन्च किया गया है, 6GB 128GB वाला वेरिएंट, और Xiaomi Mi 9T को लॉन्च किया गया है 61,000 की रिटेल प्राइस पर। अगर प्राइस की बात की जाए तो 6,000 का डिफरेंस है। लेकिन अब बाकी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। दोनों ही फ़ोन्स में आपको कोई भी नॉच नहीं देखने को मिलती। ओप्पो F11 में आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, 6.53 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। स्क्रीन इनटू बॉडी रेशो आपको मिलती है 84% की, 1080p का रेजोल्यूशन है, 397 का आपको PPI मिलता है, लेकिन यहाँ कोई भी गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन ओप्पो F11 प्रो में नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर ली जाए Mi 9T की, तो यहाँ आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले 6.39 इंचेस का, बॉडी इनटू स्क्रीन रेशो आपको 86% का मिल जाता है, आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, 403 का आपको PPI मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको फ्रंट साइड पर प्रोटेक्शन मिल जाती है। और व्यूइंग एंगल की बात की जाए, कलर सेचुरेशन की बात की जाए, तो Xiaomi क्लियरली बीट करता है ओप्पो F11 प्रो को। ओप्पो F11 प्रो में आपको कुछ कार्टूनिश लुक मिलेगी, ब्राइटनेस का जो लेवल है वो आपको Mi 9T की नस्बत थोड़ा सा कम मिलेगा। तो यहाँ डिस्प्ले के बेजल्स, डिस्प्ले के ग्राफिक्स जो हैं, वाइब्रेंट कलर जो हैं, वो Mi 9T क्लियरली बीट करता है ओप्पो F11 प्रो को। और अगर बात की जाए इन दोनों ही फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ भी Mi 9T क्लियरली बीट करेगा अपनी ग्लास बिल्ड क्वालिटी से। आपको रियर साइड पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है Xiaomi Mi 9T में, आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बिल्कुल सेंटर में मिल जाता है। मेन सेंसर है 48 MP का, अलग से रखा गया है, दो सेंसर्स को एक ही बम में रखा गया है। 8 MP का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, 13 MP का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, LED लाइट मिलती है, मी का लोगो मिल जाता है, और कलर की खूबसूरती आपको Mi 9T में ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। आपको एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एंटेना बैंड्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ एक और डिफरेंस होगा, आपको Mi 9T में नीचे की साइड पर जस्ट आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, माइक मिलता है, Type-C की कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ हैंड्स फ्री का जैक जो है वो ऊपर वाली साइड पर रखा गया है। और अगर मेरी बात करें, मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो मुझे ये ज़्यादा फिजिबल लगता है जो कि ऊपर की साइड पर रखा जाता है हैंड्स फ्री का जैक। ओप्पो F11 प्रो की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन होगा, लेकिन ये कहीं भी जो लुक है इसकी पॉलीकार्बोनेट वाली नहीं लगती, ग्लास बिल्ड ही लगती है, लेकिन है ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ। फ्रेम अलग से रखा गया है, प्लास्टिक वाला ही फ्रेम मिल जाता है आपको। यहाँ आपको नीचे की साइड पर माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल कुछ कर्व्ड टाइप किस्म का आपको डिज़ाइन मिलता है, साथ ही आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर वाली साइड पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और यहाँ जो सेल्फी कैमरा है Mi 9T का, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिलेगा। ओप्पो F11 प्रो में आपको सेंटर वाली साइड पर मिल जाता है, और यहाँ कोई भी दोनों ही फ़ोन में आपको IR ब्लास्टर की ऑफ सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। वैसे Xiaomi के जितने भी पहले फ़ोन आते थे उनमें IR ब्लास्टर मिल जाता था, लेकिन Mi 9T में आपको कोई भी IR ब्लास्टर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको Mi 9T का जो कैमरा है उसके अंदर ही आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है। यहाँ दोस्तों, जब आप चार्जिंग पर लगाते हैं कोई नोटिफिकेशन आता है, यहाँ आपको जो सपोर्ट है नोटिफिकेशन लाइट की F11 प्रो में नहीं मिलेगी, Mi 9T में मिलेगी। और अगर फाइनली अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो यहाँ डिज़ाइन में भी Mi 9T क्लियरली ओप्पो F11 को बीट करता है, बट यहाँ वेट थोड़ा सा Mi 9T का ज़्यादा रहेगा ओप्पो F11 प्रो की नस्बत, क्योंकि ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, फ्रंट पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो यहाँ वेट थोड़ा सा Mi 9T का ज़्यादा होगा। यहाँ डिज़ाइन में आपको एक और डिफरेंस नज़र आएगा,
Xiaomi Mi 9T में आपको रियर साइड पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर रखा गया है, और Oppo F11 Pro की रियर पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, या मैनुअली रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात होगी बिल्ड क्वालिटी की और डिस्प्ले की, Mi 9T जो है वो नंबर ले जाता है Oppo F11 Pro की निस्बत, और अगर यहाँ बात की जाए परफॉर्मेंस की तो यहाँ भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, Oppo F11 Pro में आपको मिलता है Helio P70, 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, यहाँ जो आपको क्लॉक स्पीड है 4 कोर्स की 2.1 GHz कोर्टेक्स A73 पर मिलती है, और 4 कोर्स 2.0 कोर्टेक्स A53 वाली स्पीड मिलती है। मालिका आपको GPU मिल जाता है जी 72 MP3 वाला, एक ही वेरिएंट मिलता है 6GB 128GB वाला, और यहाँ Oppo F11 Pro को अनबॉक्स करते ही कलर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है 6 वाला आपको, जो कि अभी रिसेंटली Realme और Oppo के सारे ही फोन्स में मिल रहा है। और अगर बात की जाए एंड्रॉयड वर्जन की तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाए देखने को मिल जाता है। अगर Mi 9T की बात की जाए तो यहाँ पर आपको MIUI का स्टेबल रोम मिल जाता है, और साथ ही आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड पाए। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो Mi 9T में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730, एड्रीनो 618 का आपको GPU मिलता है, स्नैपड्रैगन 738 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, यहाँ 2 कोर्स आपको मिल जाती हैं 2.2 GHz कोर क्रायोस 470 गोल्ड, और यहाँ 6 कोर्स मिल जाएंगे आपको 1.8 GHz क्रायो 470 सिल्वर पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बेंचमार्क्स की अगर बात कर ली जाए तो Helio P70 स्कोर करता है 147,259 का, और अगर Mi 9T के बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस मिलेगा, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, 212,839 का आपको स्कोर मिल जाता है। यहाँ CPU के स्कोर्स में भी डिफरेंस होगा, Oppo F11 Pro स्कोर करता है कुछ 63,332 का CPU, और CPU जो Mi 9T का है वो स्कोर करता है 87,227 का, और अगर GPU की बात कर ली जाए तो यहाँ भी डिफरेंस आपको तकरीबन आधे से ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ आपको मिल जाएगा 34,790 का GPU का स्कोर, और GPU का Mi 9T स्कोर करता है 58,343 का। Mi 9T में भी आपको पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट मिलेगा 6GB 128GB, परफॉर्मेंस क्लियरली यहाँ पर जो है वो Mi 9T जो है वो बीट करता है Helio P70 को। यहाँ सिम स्लॉट्स की बात कर ली जाए तो Oppo F11 Pro में आपको मिल जाती है हाइब्रिड सिम स्लॉट, आप दो सिम्स या एक सिम एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको Mi 9T में कोई भी एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि डिसएडवांटेज होगा, लेकिन आजकल OTG का भी दौर है, आप USB OTG भी लगा सकते हैं, चॉइस अप टू यू है कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको बेहतर मिलता है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही Mi 9T अपनी रेंज का सबसे बेस्ट प्रोसेसर वाला फ़ोन होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ प्रोसेसर की जो रेस है, बेंचमार्क्स को उसकी जो रेस है, परफॉर्मेंस की जो रेस है, वो भी क्लियरली बीट करता है Mi 9T Oppo F11 Pro को। यहाँ पर आपको Oppo F11 Pro Mi 9T में दोनों में ही पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है, Mi 9T में आपको कुछ LED लाइट भी पॉपअप कैमरा में मिलती है जो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है, Oppo F11 Pro में आपको स्क्रीन नोटिफाई करती है जब आप पॉपअप सेल्फी कैमरा ऑन करते हैं तो स्क्रीन में एक इफेक्ट चलता है लाइट का। यहाँ दोस्तों यहाँ पर Mi 9T में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अपर्चर 2.2 रखा गया है, और Oppo F11 Pro में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा 2.0 के अपर्चर के साथ, कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, बट पोर्ट्रेट शॉट डे लाइट में और नॉर्मल शॉट्स जो हैं दोनों ही फ़ोन्स अच्छा काम नज़र करते हुए नज़र आए, लेकिन प्रायोरिटी अपनी है, मुझे कुछ बेहतर लगा Oppo F11 Pro सेल्फी के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा कस्टमाइज़ कर देता है, कुछ पिंक टोन ज़्यादा देता है, लेकिन ओवरऑल कैमरा रिव्यू में बात करेंगे Mi 9T बेहतर है या Oppo F11 Pro। और अगर बात कर ली जाए रियर की तो यहाँ भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ कोई भी स्टेबलाइजेशन तो दोनों फोन में रियर पर नहीं मिलती, मेन 9T में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, F1.8 का अपर्चर है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको मिल जाता है जो कि डेप्थ सेंसर पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, अब अल्ट्रा वाइड सेंसर को आप वीडियोस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ टेलीफोटो लेंस को भी आप वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए Oppo F11 Pro की तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप, यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर की कोई ऑप्शन नहीं मिलती, मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल, वही अपर्चर F1.8 वाला मिलता है, और यहाँ आपको डेप्थ सेंसर है 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है। ओवरऑल अगर इन पिक्चर्स की बात करूँ तो मुझे दोनों ही फ़ोन्स, थोड़ी सी लो लाइट थी मेरे पास, स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, लेकिन ओवरऑल
अब इनका कैमरा रिव्यू बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन बेटर है कौन सा नहीं। यहाँ 4K की सपोर्ट आपको मिल जाती है MI 90 में, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 2160 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ओप्पो एफ 11 प्रो से। स्लो मोशन भी आप 460 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं ओप्पो एफ 11 प्रो में, लेकिन मी 90 में आपको सारे ही फ्रेम्स 960 फ्रेम पर सेकंड 720p पिक्सल्स पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है स्लो मोशन वाली। तो यहाँ अगर कैमरा ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो फुली लोडेड दोनों ही फ़ोन्स AI को सपोर्ट करते हैं, बट मुझे पर्सनली मी 90 के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस मिली, अल्ट्रा वाइड सेंसर, टेलीफोटो लेंस और साथ ही 4K की रिकॉर्डिंग, और अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो मी 90 क्लियरली बीट करता है। फिर भी ओवरऑल कैमरा रिव्यू में मैं आपको बता दूंगा कि दोनों ही फ़ोन्स कैमरा में कैसे हैं। अब कैमरा लवर जो है वो उस कंपैरिजन का ज़रूर वेट करें, एज सून एज पॉसिबल मेरे चैनल पर वो भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले हो या हो कैमरा कैटेगरी, मी 90 क्लियरली बीट करा है ओप्पो एफ 11 प्रो को। लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ पर फेस अनलॉकिंग, तो जी हाँ दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। वैसे V15 में नहीं मिलता, V15 प्रो में मिल जाता है, ऐसा ही आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में मिल रहा है। अब इससे लोअर जो मिड रेंज के फ़ोन हैं जैसा कि Y9 Prime 2019 है, उनमें भी आपको फेस अनलॉक ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया। या दोनों ही फ़ोन्स का फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट नज़र आया, ओप्पो एफ 11 मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा काम करता हुआ नज़र आया एज़ कम्पेयर टू मी 90, लेकिन थोड़ा सा स्लो था मी 90। और अगर बात कर ली जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो मुझे पर्सनली ओप्पो एफ 11 प्रो ज़्यादा फास्ट नज़र आया, लेकिन अगर देखा जाए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड के हिसाब से तो मी 90 भी बुरा फील नहीं हुआ मुझे, लेकिन कुछ सेकंड्स ले जाता है अनलॉक करते ही डिवाइस को। बाकी अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए तो दोनों ही फोन्स फुली लोडेड सारे ही सेंसर्स को सपोर्ट करते हैं, आप VR का मज़ा भी ले सकते हैं, 3D मूवीज का भी मज़ा ले सकते हैं दोनों ही फोन्स में। जायरो की सपोर्ट भी मिल जाती है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, सारे ही सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर बैटरीज की, तो दोनों ही फोन्स 4000mAh की बैटरी में आते हैं। कनेक्टिविटी का डिफरेंस होगा, मी 90 में आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, ओप्पो एफ 11 प्रो में आपको मिलती है माइक्रो USB की कनेक्टिविटी। ओप्पो एफ 11 प्रो आपको वोक चार्जिंग के साथ मिलता है, 20 वॉट के चार्जर के साथ मिलता है, और मी 90 में आपको मिलता है अनबॉक्स करते ही आउट ऑफ द बॉक्स 18 वॉट का चार्जर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 25 वॉट की चार्जिंग को भी स्नैपड्रैगन 730 जो है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि यही प्रोसेसर हमें गैलेक्सी A80 में मिला सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ। अगर आप 25 से 45 वॉट का चार्जर या 40 वॉट का चार्जर इंपोर्ट कर सकते हैं तो आपको ये जो है वो जल्दी चार्ज होता हुआ मिलेगा। मुझे जो 4000mAh MI 90 की है वो राउंड अबाउट 2 घंटे में फुल होती हुई मिली, और यहाँ ओप्पो एफ 11 प्रो जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो 20 वॉट की चार्जिंग है वो 1 घंटा 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है अपनी बैटरी को। तो यहाँ जो बैटरी का चार्जिंग स्टेप है, जो चार्जिंग टाइम है, वो ओप्पो एफ 11 प्रो में आपको जल्दी चार्ज होता हुआ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मी 90। और बैटरी ड्रेन की बात की जाए तो मी 90 थोड़ा सा कम टाइम निकालेगा, बिकॉज यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है। वैसे तो एमोलेड डिस्प्ले कम बैटरी पीते हैं, लेकिन मी 90 में मुझे नहीं लगा कि ये कम पीता है, कुछ 6 से 7 घंटे जो है स्टैंड बाय स्क्रीन ऑन टाइम दे जाता है, और यहाँ जो ओप्पो एफ 11 प्रो है कुछ 8 घंटे के राउंड अबाउट दे जाता है। तो यहाँ अगर आपको चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ फ़ोन, मतलब ज़्यादा आप टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो ओप्पो एफ 11 प्रो ठीक रहेगा, वरना मी 90 भी आप ले सकते हैं अगर आपको ट्रैवल चार्जर आपके पास है, या अगर आप सारा दिन काम करते हैं और शाम को जाके चार्जिंग पर लगा देते हैं तो मी 90 भी ठीक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात होगी स्पेसिफिकेशन बिल्ड क्वालिटी कंपैरिजन की, मी 90 क्लियरली भी बीट करता है, लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो वहाँ भी मी 90 जो है वो पबजी हो या आइसफॉल्ट नाइट्रो हो, यहाँ पर जो मी 90 है वो क्लियरली बीट करता है ओप्पो एफ 11 प्रो को। यहाँ पबजी में आपको मैक्सिमम HD के साथ हाई के ऑप्शन मिल जाता है ओप्पो एफ 11 प्रो में, या कोई भी अल्ट्रा वाला ऑप्शन नहीं मिलता। मी 90 में स्मूथ के साथ आपको अल्ट्रा का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, और मेरे हिसाब से पबजी जो है मी 90 में ज़्यादा बेहतर मिली। वैसे तो ओप्पो एफ 11 प्रो में आपको हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देती है गेम को, लेकिन फिर भी कलर सैचुरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पबजी को लेकर डिपेंड किया जाता है। तो यहाँ कलर सैचुरेशन जो है वो MI 90 में बेहतर मिली। MIUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें भी हमें यहाँ पर टर्बो टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि गेम्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देती है। डेडिकेटेड मी 90 का गेमिंग रिव्यू मैंने चैनल पर दिया हुआ है, यहाँ के लिंक iCAD में आ रहा होगा, आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वरना वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा MI 90 की गेमिंग परफॉर्मेंस को लेके, आप देख सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि गेमिंग के लिहाज से मी 90 बेहतर है कि नहीं। तो ओवरऑल कलर्स की बात कर ली जाए, प्रेजेंटेशन की बात कर ली जाए, हैंड फील की बात कर ली जाए, मी 90 क्लियरली बीट करता है ओप्पो एफ 11 प्रो को। आप क्या समझते हैं, क्या मेरी राय से इतफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई थिंक सो कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि मी 90
इज़ वर्थेबल, अपनी प्राइस को पूरा जस्टिफाई करता है ओप्पो एफ 11 प्रो से अगर कंपेयर किया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लाइक मुझे बता देंगे कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी फ़ोन अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, नए रिव्यू, नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।